एक तरफ जहां ईपीसीए ने आदेश दिया है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम 15 नवंबर तक नहीं चलेगा और स्टोन क्रेशर प्लांट भी बंद रहेगा, वहीं गाजियाबाद के इंद्रापुरम इलाके के कनावनी में प्रशासन की टीम ने 9 लोगों को प्रदूषण फैलाने पर गिरफ्तार किया है। ये कंस्ट्रक्शन वर्क में लगे हुए थे। यहाँ पर सरकारी एजेंसियों का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था और खुले में कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी रखा हुआ था। एक डंपर भी प्रशासन ने कब्जे में लिया है। हैरत की बात यह है कि एक बड़ी सरकारी एजेंसी का भी काम चल रहा था। जाहिर है, जब सरकारी एजेंसियां ही नियमों को ताक पर रखेंगे तो कैसे प्रदूषण कम होगा। एडीएम सिटी मौके पर पहुंचे और पूरे कंस्ट्रक्शन का वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाया गया। एडीएम सिटी का ये भी कहना है कि जब इतनी बड़ी एजेंसियां नियमों का पालन नहीं करेंगी तो कैसे प्रदूषण कम करवाया जा सकता है। प्रदूषण के मामले में सख्ती बरतते हुए विजयनगर में एक हाउसिंग ग्रुप पर भी 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहां पर भी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। आपको बता दें, 15 नवंबर तक एनसीआर में सभी तरह के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई गई है। ये हमारे लिए बहुत ही दुखद है कि बच्चे स्कूल नहीं जा सकते इस समय, इतना ज्यादा यहाँ पोल्यूशन बढ़ा हुआ है। फिलहाल कार्रवाई चल रही है। एक क्रेशर प्लांट पे हम अभी खड़े हुए हैं। यहाँ से 6 लोगों को मैंने पकड़ा हुआ है और इनके यहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत, एनजीटी के आदेश के तहत जो हम लोगों ने डिक्लेयर किया था डेट की, इस डेट पे कोई काम नहीं होगा, वो सब इनके पास बुक पाई गई है और ये लोग सुधरने के लिए तैयार नहीं है, काम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसी के साथ साथ एनएचआई की पूरी रिकॉर्डिंग अभी हमने की, वहाँ पर भी इनका काम चल रहा है मना करने के बावजूद भी। रेलवे का काम, जब इतनी बड़ी संस्थाएँ तनिक भी डिसिप्लिन यहाँ नहीं फॉलो कर रही हैं तो दूसरे के लिए, तो 3 जन पे अभी फिलहाल मैंने कार्रवाई की हुई है और इसी तरह से अलग अलग जगह पे टीमें और 7 में आरोपी पुलिस साहब भी हैं तो हम